दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मासिस्ट गाइड पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस एस्टिमेटेड एमडी टैबलेट की जानकारी लेकर आए हैं। आज हम इस टैबलेट के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, इसके यूजर्स के बारे में जानेंगे, इसके डोजेस के बारे में जानेंगे और साथ में इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई जरूरी जानकारी मिस ना हो जाए। शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों इस एस्टिमेटिल एमडी टैबलेट को अबॉट कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसमें जो सॉल्ट हमें मिल जाता है वो है प्रो क्लोर पेराजीन 5 mg की मात्रा में। तो चलिए अब ये जानते हैं ये सॉल्ट किस तरह काम करता है। हमारे ब्रेन में एक डोपामाइन नामक केमिकल मैसेंजर होता है जो कि नौजिया और वोमिटिंग का कारण होता है। तो ये एस्टिमेटिल एमडी उस डोपामाइन के एक्शन को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से हमें नौजिया और वोमिटिंग से राहत मिलती है। ये डोपामाइन केमिकल कुछ लोगों में शॉर्ट टर्म एंजाइटी का भी कारण होता है जिसकी वजह से लोग घबराने लगते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो ये एस्टिमेटिल एमडी जो है उस डोपामाइन के एक्शन को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से लोगों का मूड चेंज हो जाता है, मूड ठीक हो जाता है और उनके थॉट भी अच्छे अच्छे आने लगते हैं। इस एस्टिमेटिल एमडी टैबलेट का इस्तेमाल दोस्तों नौजिया की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर किसी को जी मचलता है, साथ में उल्टी जैसी समस्या होती है तो ये उसको ठीक करने में काफी असरदार होता है। ये उस केमिकल के एक्शन को ब्लॉक कर देता है जिसके कारण लोगों को उल्टी जैसी फील होती है या फिर नौजिया जैसी परेशानी होती है। अगला जिस कंडीशन में इस एस्टिमेटिल एमडी टैबलेट का उपयोग किया जाता है दोस्तों वो है वर्टिगो की कंडीशन में। अगर किसी को चक्कर आता है, चक्कर के साथ उल्टी आता है या किसी के कान के अंदरूनी हिस्से में कोई समस्या है या किसी को मेनियस डिजीज की कोई समस्या है तो ये उसको ठीक करने में काफी असरदार होता है। इस एस्टिमेटिल एमडी टैबलेट का उपयोग दोस्तों माइग्रेन की समस्या को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। ये दर्द को बढ़ाने वाले केमिकल मैसेंजर के एक्शन को ब्रेन में ब्लॉक कर देता है, साथ ही उसके सिग्नल को भी रोक देता है जिसकी वजह से हमें दर्द होता है या फिर वोमिटिंग जैसी समस्या होती है या फिर किसी को नौजिया जैसी समस्या होती है। तो दोस्तों ये एस्टिमेटिल एमडी टैबलेट माइग्रेन की समस्या को दूर करने में भी काफी असरदार होता है। अगला जिस कंडीशन में इस एस्टिमेटिल एमडी टैबलेट का उपयोग किया जाता है दोस्तों वो है शॉर्ट टर्म एंजाइटी की समस्या को दूर करने में। अगर किसी को एग्जाम की वजह से किसी तरह का नर्वसनेस रहता है या किसी को इंटरव्यू की वजह से नर्वसनेस रहता है या किसी को कोई पर्सनल इश्यू की वजह से नर्वसनेस रहता है या फिर कंफ्यूज रहते हैं वो, तो ये उसको ठीक करने में काफी असरदार होता है। ये हमारे मूड को और थॉट को अच्छा कर देता है जिसकी वजह से लोग जो है अच्छा फील करते हैं। दोस्तों काफी सारे फायदे हैं इस एस्टिमेटेड टैबलेट के उपयोग करने के। अगर आपको ये डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपको टाइमली यूज करना चाहिए, इसका डोज आपको मिस नहीं करना चाहिए वरना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। इस टैबलेट को आपको कभी भी खुद से उपयोग नहीं करना चाहिए, जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे तभी आपको इसका इस्तेमाल करना है क्योंकि सबकी कंडीशन और सीवियरिटी जो है अलग अलग हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको कोई भी मेडिसिन डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। तो चलिए दोस्तों अब इस एस्टिमेटेड एमडी टैबलेट के डोजेस के बारे में जान लेते हैं। इस टैबलेट को 12 साल के ऊपर के व्यक्ति को दिन में 1 से 2 बार दिया जा सकता है या अगर किसी की कंडीशन सीवियर होती है तो कभी कभी उस कंडीशन में 3 बार भी दिन में दिया जा सकता है। आपको एग्जैक्टली उसी तरह इसका उपयोग करना है जिस तरह आपको डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाएगा। आपको कभी भी डोज इसका मिस नहीं करना है या इसका ओवरडोज कभी भी नहीं लेना है। इस एस्टिमेटिल एमडी टैबलेट के उपयोग करने से हो सकता है आपको इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिले जो कि बहुत ही रेयरली होते हैं और समय के साथ ठीक हो जाते हैं। जैसे इसको लेने से आपको डिजनेस जैसा फील हो सकता है या फिर आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। अगर आपको कोई सीवियर साइड इफेक्ट इसके देखने को मिले तो आपको इसका इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना चाहिए। इस टैबलेट को इस्तेमाल करते समय आपको कोई भी व्हीकल को ड्राइव करने से बचना चाहिए या ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसमें आपको कंसंट्रेट करना पड़े। अगर किसी को किडनी या लीवर संबंधित कोई भी बीमारी है तो उनको इस टैबलेट का उपयोग कभी भी खुद से नहीं करना है, हमेशा उनको डॉक्टर की एडवाइस पहले लेनी है तभी इस टैबलेट का उपयोग करना है। इस 15 टैबलेट एस्टिमेटेड एमडी की जो प्राइस है वो है ₹142.73। समय और जगह के अनुसार इसकी प्राइस वैरी कर सकती है। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।